बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दाता हरता करता, सब जग बिन से आप ही रहता, ऐसा एलिमेंट है वो। कल मैं उसके विषय में बात कर रहा था, नाम के सदा सर्वदा अविचल सोई, सदा सर्वदा तोलना एक न देना दोई, कहां बखानू हूं गुण तेरा, अस्तुत करत थका मन मेरा, अवाक है अनिर्वचनीय है, लन्नी जाने सोई तोलना एक न देना कोई, सब घट व्यापक मालिक मोला, को घट काला को घट डोला, सब घट व्यापक साइया सुनी सेज न कोई, कमाल है अश्रज है महाआश्चर्य है कि उसके बावजूद भी इंसान उसको नहीं जाना जा, वो इंद्रियों के माध्यम से जाना ही नहीं जा सकता। ऐसी व्याख्या तो वासुदेव कृष्ण ने भी की है। पांच रंगते न्यारा हुई, कलर तो पांच तत्वों से है, पांच तत्वों के ही कलर है, कलरों की उत्पत्ति पांच तत्व से है, इसलिए वो कलर रंगातीत है। अलग पुरुष सो सत्य भाका, चलत चलत मेरा मन थाका, निर्गुण सरगुण एक ही होई। अब यहां साहब कह रहे हैं निर्गुण सरगुण एक ही होई। मैं जब एक व्याख्या देता हूं कि ये पूरी सृष्टि शून्य से उत्पन्न है, तो ठेलुआ लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, कहते शून्य यानी जीरो, आप अभी भी ये शून्य व्यापक है, शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा, शून्य स्वरूप ही बने हैं, इसी शून्य से आकाश की उत्पत्ति होती है, शून्य स्वरूप ही देव निरंजन, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, उसी में फिर लय हो जाते हैं, इसलिए सब शून्य हो जाता है। इसलिए निर्गुण सर्गुण एक ही जानो, कहां बखानो रूप निशानी, जो दर्पण दर्शन से जाने, है हजूर दिखे न कोई, एक न देना दोई, एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार की, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। जब उस एक सत्ता का एक अंश वहां पहुंच जाता है तो पूरे शरीर में अपना जलवा दिखा देता है। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना, कथनी कथ के कहां बखाना, वो अनर्वचनीय है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहन सुनन से न्यारा है, शब सूरत में एक समाना। अब शब सूरत का भी संदेश कबीर साहब ने दिया है, सब पूरे साहब का मटेरियल उठाकर अपना अपना लोगो लटकाए हुए हैं। वस्तु अपार, पार नहीं पावे, है नजदीक पुन दृष्ट ना आवे, अपार है नजदीक पर दृष्ट ना आए, दृष्ट अदृष्ट मध्य है सोई। हाँ, क्या कह रहे हैं, दृष्ट अदृष्ट दोनों के मध्य है। इस बात को साहब ने एक शब्द में क्लियर कर दिया, साकार कहो, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहो आहे नाही, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। दृष्टि अदृष्ट मध्य सोई, दृष्टि और अदृष्ट दोनों के मध्य में,
ना एक है ना दो है। जो भीतर सो बाहर जाना, बाहर भीतर एक समान। अब आप एक चीज का गौर करें, जब मैं ये बातें बोलता हूं ठेलुआ लोग में चलते हैं, बावन अक्षर नाम न होई, ये बावन अक्षर नाम सब सूरत दे रहो समोई, क्या बात है, करें सुरती से ही वो जाना जाएगा। बहुत साफ साफ कह दिया, बावन अक्षर सो नाम न होई, आदि और अंत मध्य सोई, तोलना एक न देना। वाह, जिसका आदि है उसका अंत हो जाएगा, इसलिए साहब आदि और अंत के मध्य गुणातीत संज्ञा दी गई है। हम सब ने एक चर्म और भौतिक दृष्टि से उसकी कल्पना की है, और यही पंच भौतिक माया है, इसी में उलझे रहा आदमी, उसी में फिर डुबकी लगा रहा है ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवे तो आवे हाथ, कहे कबीर बेदी ला तो पल में देर लखा। उत्पत जो करूं बखाना, पढ़ रहे का भाखू अनमाना, उत्पत पढ़ रहे एक ही होई। वो उत्पत्ति और पढ़ रहे के अंदर भी नहीं आता है। शून्य ही थे सब जग उपजाया, अब विचार करें, शून्य ही थे सब जग उपजाया, शून्य ही मां शब्द पन सचाया, शून्य विशून्य लखे जो कोई, तोलना एक न देना दो। अब वो ठेलुआ लोग एक तो यूं भी कह रहे थे कि मैंने लाखों आदमी जो थे मांस खाने वाले वो सतलोक पहुंचे हैं, पता नहीं उसका कौन सा सतलोक है, उसका न जाने कौन सा सतलोक है। आप नेट पर देखते ना कितना गदर चल रहा है। काल अकाल मध्य सोई, काल अकाल मध्य नहीं। अब साहब क्या कह रहे, काल धर्मदास तहबास हमारा, काल अकाल न पावत पारा, कह रहे काल अकाल न पावत पारा, धर्मदास तहबास हमारा। जहां शून्य नहीं तहां शून्य समाई, सदगुरु शब्द लक्ष्य जो कोई, गुरुगम हो तो चश्मे आवे, चश्मे यानी नजर, आपा मध्य आप समावे। वह आपा मध्य आप समावे, मैं आलोचक नहीं, मैं भक्ति का चोर एक किताब लिख रहा था, उसमें ये बताना था कि किस किस पंथ ने किस किस तरह से साहेब की भक्ति को चुरा कर रूपांतरित किया है, पर मैंने दिल में सोचा इससे कई मुकदमे हो जाएंगे, फिर वो बुक मैंने वहीं रख दी, उसको रूपांतरित करके फिर छुपाया हूं मैं, क्योंकि साहब वाणी में साफ कह के गए, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतो झूठे जगपति आई। आपा मध्य आप सो हुई, परम पुरुष देखा समदृष्टि, हाथ पसार आवे नहीं मुष्टि। समदर्शी है, क्या बात है, पांच तत्व से न्यारा हुई,
पानी से पतला कर जाना, धुआं तहती जीन बखाना, ऐसी व्याख्या उन्होंने अनंत शब्दों में कई जगह पर की है। पहम पवास से पात्रा, वायु से अति जीन, पानी से उतावला, दोस्त कभी रखें। मन ही आवे मन ही जाए, जितना साहब मन पर कंसंट्रेट हुए किसी ने मन का जिक्र ही नहीं किया है। मन उनको बोलने ही नहीं दे रहा है कुछ। आप गौर से सबको सुनना, जब आप सबको सुनेंगे कोई भी एक मन पर व्याख्या नहीं कर रहे। मूल ही वो चीज है। मन ही काल, मन ही काल। सबन को खाई मन चंचल ही लखे जो कोई। मन चंचल तोलना एक ना सबन को खाई। वाह, मन ही जल थल मन ही आकाशा, मन ही पांच तत्व प्रकाशा। मेरे ख्याल से इसके बाद में कहीं शंका की जगह नहीं होती है। मन को रूप देख देखे नहीं हुई, तुलना एक न दूसर हुई। मन को रूप देख नहीं देखा ना कोई ना हुई। ब्रह्मादिक संकादिक भाई हुआ, ब्रह्मादिक संकादिक भाई तेव मन के हाथ बिकाई। हाँ, सब बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। ब्रह्मादिक संकादिक भाई तेव मन के हाथ बिकाई। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। मेरे करीब करीब 5,000 एपिसोड है अहंकार विष्णु के। किसी भी संस्था और महात्मा के 5,000 एपिसोड नहीं है। अगर आप सबका संकलन करके सुनेंगे, मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं मेरा प्रवचन एक बार नहीं सुनो, मेरा एपिसोड जो है उसके बाद में फिर जो चैनलों पर है वो भी आ जाते हैं, यूट्यूब में आ जाता है। जो मैं लाइव प्रोग्राम देता हूँ ये फेसबुक में भी चलता है, यूट्यूब में भी चलता है। आप 3-4 बार सुनना, जितनी बार सुनते जाएंगे आपको उतनी बार समझ आती जाएगी। मन का प्रसंग मैं काफी बार उठाता हूं। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। क्या करें, ब्रह्मादि संकादिक भाई तेव मन के हाथ भी काई। ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है। मन सावज बस करे जो कोई, तोलना एक न दोना हुई। सावज कहते शिकारी को, मन बहुत बड़ा शिकारी है। कौन सा मुनिवर मन को मारे, मन को मार कौन को तारे। उल्टा मने निज मने समोई, तोलना एक न दोना हुई।
मन पर जो असवार है ऐसा वरला कोए कबीरा, ऐसा वरला कोए, मन पर जो असवार है ऐसा वरला कोए, उल्टा मन है जी मन है समोई, अगम अगाध वार नहीं पा रहा गुरगम शब्द कियो बिचारा, कहे कबीर हम देखा सोई, तोलना एक न दोना दोई, देना दोई। तीन लोक में मन है विराजी, तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित काजी, सदा रहे उन्मन में छाजे, सुरत शब्द में रहे समाई। अब सुरत शब्द एक है भया था मन का, मन की हाजत ना है, वो नाम आपके साथ हमेशा हैं, जब गुरु कृपा करता है उसे समझता है, सुरत वहीं पर रह गई ना, फिर मन की फिर हाजत नहीं है, फिर मन नहीं वहां से हटा सकता है। बहुत दिवस का सुवत जागा, खोल कपाट नाम से लागा, धन सदगुरु जन राह बताई, कहे कबीर सब विपत मिटाई, नाम बिना मूर्ख सु कही, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना, क्योंकि जब तक मन का साम्राज्य है आपके अंदर आप शुभ कर्म नहीं कर सकते। तीन लोक में मन है विराजी, ताहन चीनत पंडित काजी, बहुत जटिल है मन, बहुत जटिल है। पानी का स्वाभाविक बहना ढलान की तरफ है, आग स्वाभाविक ऊंचाई की तरफ चलती है, वायु स्वाभाविक घुमट कर चलती है, इसी तरह मन का स्वाभाविक रुझान इंद्रियों की तरफ है। कितना प्यारा साहब का शब्द है, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, घट में भया नाम का हेला, मूल गहा सब खेलम खेला, मोह माया की काटी फांसी, कहे कबीर मिटी चौरासी। इस आत्मा को कोई नहीं मान सकता, ये भ्रमवश अपने को काया मान लिया, यही अज्ञान संसार की आत्मा है। वैज्ञानिक विचारक कहते हैं द टाइम इज सोल ऑफ द वर्ल्ड, समय ही काल भी है। स्वामी जो संसार से न्यारा, जो कहिए साहब का प्यारा, आशा तजके रहे निराशा, कहे कबीर तब देख तमाशा। अब यहां खास बात यह है, जो आदमी एक रंग में जो रहे ऐसा बड़ला कोई, जब इन सब चीजों से परे हट करके वहां कंसंट्रेट होने के लिए क्यों कहा, वो किसी न किसी तरह जगत की चीजों में उलझाएगा। आशा बस एक नाम की, दूजी आस निवास, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए वो इच्छाएं पैदा करेगा, जगत के पदार्थों का आकर्षण दिखाएगा, विकारों की तरफ आपको खींचेगा, ये तो मन है पूरा। नाम चिंगारी घट में जूपी, कहे कबीर सो मुक्त मुक्त स्वरूपी। जब आपके शरीर के अंदर नाम पहुंच जाता है, पूरा खेल बन जाता है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहता है, नाम मिला तो सब मिला, अंतर ही न एक मनसा वाचा करना, साहिब सदगुरु एक। मन राजा सरगुण में बीजे, ज्यो शेरी खटिक को दीजे, मन के मते चलना नहीं,
शेरी कहते हैं बकरी को, खटिक कहते कसाई को। निर्गुण सेती लाजा मरई, कहे कबीर जी कैसे थरी। या कुछ लोग कह रहे हैं कबीर साहब निर्गुण पा सकते, नहीं नहीं, ये मूल्यांकन भ्रमवश है, अज्ञानवश है। कहे कबीर जी कैसे तरी, फांसी लिया हाथ में माया, जो बाघिन बकरे को खाया। बाघिन शेरनी को कहते, इस तरह माया मोहते मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। मोह सकल व्याधिन को मूला। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत भविद सूला, सूल दुख। पल पल सो गवाए रोई, कहे कबीर ऐसा दुख होई। माया का जोर है फंदा, या से उभरा कोई कोई बंदा। साहब कह रहे इससे कोई कोई बंदा उभर पाता है। कैसे कोई के लाखन मध्य कोई को कहे, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन माँ है। लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन माँ है। कोटन मध्य को कहे, जब किया कबीर विचार। विरला जीव निसंशय हुई, गुर पग गहे धर जो कोई। मन विचलित करने की कोशिश करेगा, संसार है इसमें दुख सुख दिखाएगा, फिर कहेंगे आपको दुनिया भी घेरेगी, देखो सब चीज छोड़ दी अब भोग रहा है, चाहे उसका बेड़ा ही गर्क है लेकिन आप पर नजर रहेगी। जो बाघन बकरे को खाया, पल पल सो गवाए रोई, कहे कबीर ऐसा दुख हुई। श्वास और श्वास सुमरण लागा, कहे कबीर विषय सब भागा। जब प्रकाश हो जाता है वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता। जो जैसे सर्पिन किया कुंडाला, कुंडली नहीं मार के बैठती है, समझना वो हमले के लिए तैयार है, क्योंकि पहले उसने अपने बॉडी को, लंबा होता है सांप ना, वो पूरे बॉडी को सेव करता है फन लेकर, फिर चारों तरफ इस तरह वो पहले अपनी पूरी बॉडी को ऐसे कुंडली मार करके रहता है, ताकि और फन के द्वारा चारों तरफ अपने उस शरीर को बचाता है। माया ने ऐसी कुंडली मारी हुई है, ये खेला समझ में नहीं आता है। कहे कबीर कुंडला पहले, निर्भय हो जगत में खेले, यह संसार कुंडाला माए, जाको सर्पिन धर धर खाए। ये जगत ही वो सर्पनी का कुंडाला है। कहे कबीर कोई बाहर आवे ताको माया नहीं सतावे, व्यवहार करे और ऊंचा बोले निज दिन, फूला फूला डोले, मांग तांग कर करे रसोई, कहे कभी नफा नहीं होई। बहुत से लोगों ने एक धंधा बनाया हुआ है, ये धंधा तो मांगने का है, ये तो वीक है। साहब ने इसका घोर विरोध किया, ये तो एक निकम्मा धंधा है। अगर पूरा संतों का जीवन देखेंगे ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया। मैंने पलटू साहब का काफी बार एग्जाम्पल दिया है, ऐसी जगह पर उन्होंने आश्रम बनाया था जहां लोग नहीं आ सके, नदी की दो जहां धारा थी वहां एक आने का सूत लोग रोज लाते थे, काट करके तकली से बेचते थे दो आने में, एक आने की फिर कपास लाते थे, एक आने से फिर राशन पानी लाते थे, एक आने का फिर राशन पानी लाते थे। क्या बात थी, संत तुकाराम के पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां। देखिए इसने क्या किया है, कुंडली मारी हुई है, अपनी पूरी बॉडी को इसने सिक्योर किया हुआ है। ये माया का कुंडला जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है।
ये एक इसकी हमले हमलावर पोजीशन है और फन इसका चारों तरफ घूमता रहता है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। देखा अटैक पोजीशन इसकी कितनी डेंजर है। इससे कोई कोई कहे कबीर कोई उबरा ले सदगुरु की ओट, कहे कबीर कोई उबरा ले सदगुरु की ओट, बहुत जतन कर वाह बड़ा जतन करके व्यवहार करे वो ऊंचा बोले, निज दिन फूला फूला डोले, मांग तांग कर करे रसोई, कहे कबीर नफा नहीं होई। बहुत जतन कर जगत प्रमोदे, अपने घट को ना ही सोधे। कहंता नर बहुते मिले, कहंता नर बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई, वो कहंता बह जान दो जो ना गहनता हो। कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, ग्रहण करने वाले कम मिलते हैं। इसलिए बीक का तो साहब ने निकम्मों का काम बोल दिया, साच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाए। अंधा शब्द करे नहीं परिचय, कहे कविवर ब्रह्म कैसे दर्शे, दुनिया से थी बकबक मुआ, जो नलनी ने पकड़ो सुआ। यहां नलनी और सुआ तोते का उदाहरण देते हैं, बक बक करके मुआ। नलनी में एक बांस की नालिका है जिसमें एक दर्पण होता है, एक फल शिकारी टांगते हैं, एक चरखी पर यूं करके रखते हैं ऐसे, तोता उस पर बैठता है। जैसे बैठता है चरखी घूम जाती है, जब चरखी घूम जाती है तो बड़ा अजीब हो जाता है, शीशा ऊपर आ जाता है, शीशे में अपने स्वरूप को देखता है। ब्रह्मवश मूर्ख सुआ तोता सोचता है मुझे किसी ने पकड़ लिया और चिल्लाता है छुड़ाओ 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 छुड़ाओ, कोई नहीं पकड़ा। आत्मा भी ऐसे, इसको पकड़ कौन सकता है, ये पूरा भ्रम का मांडन है संसार। इस भ्रम का गढ़ गुरु तोड़ देता है। सूचना देता हूं, कल इतवार है, कैलेंडर के अनुसार मेरा प्रोग्राम चंडीगढ़ है, लेकिन बेहद धुंध और सर्दी के कारण लोग वहां कम आ पाएंगे, इसलिए वो प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया है। उसके बदले में कल मैंने 3 प्रोग्राम यहां रखे, इतवार को 12 बजे मेरा प्रोग्राम रखबंधु आश्रम में, एक घंटे का, 2:30 बजे से 2:30 बजे मेरा प्रोग्राम मिश्री वाला आश्रम में, और करीब 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा प्रोग्राम, 4:30-5 तक अखनूर आश्रम में, जिससे लोग समय से अपने घर जा सके। मैं श्रोताओं से प्रार्थना करूंगा, बाकी सत्संगियों को भी इसकी खबर देंगे। कल चंडीगढ़ की जगह ये 3 प्रोग्राम मैंने रखे हैं पुनः। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः फिर मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा साहेब।